वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। टुडे संडे और संडे का दिन मतलब छुट्टी का दिन, बट छुट्टी के दिन काम भी बहुत सारे आ जाते हैं। सो राइट नाउ एज यू कैन सी, जो मेरे दो नए फैमिली मेम्बर्स हैं, ये है सिम्बा और ये है एली। तो इन दोनों का आज वैक्सीनेशन डे है, तो आज इन दोनों को वैक्सीनेशन करवाने ले जा रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझे और भी दो काम है। सबसे पहले तो मुझे KTM का नंबर प्लेट चेंज करना है। जैसे मैंने थर्सडे के व्लॉग में, जब मैं व्लॉग करते करते मेरा नंबर प्लेट जो नया मैंने लगवाया था वो गिर गया था, तो आज फिर से मैं नया नंबर प्लेट लगवाने जा रहा हूँ। तो ये काम पहले ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद में मैं KTM का नंबर प्लेट लगाऊंगा। एंड उसके बाद मुझे पल्सर भी कलेक्ट करना है, जो मैंने गैरेज में दिया हुआ है। जो मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि जो मेरा पल्सर का जो पेट्रोल टैंक का ओपनिंग है वहाँ पर जंग लग गया था, एंड पानी भी चले गया था टैंक के अंदर, जिसके वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। एंड नीचे जो कार्बोरेटर का एक्सेस फ्यूल जहाँ से रिलीज़ होता है, वो स्क्रू भी उसका ख़राब हो चुका था। तो आज ये सारे काम मुझे निपटाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग टुडे। सो गाइज, कल मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि जो गालवन वैली में जो सिचुएशन, जो टेंस सिचुएशन चल रही है, उस पर चाइना ने पहले उसको अपोज़ किया था कि वो जो गालवन वैली है वो उन्हीं को बिलोंग करती है, चाइना के टेरिटरी को बिलोंग करती है, एज़ पर कुछ उनका पैक्ट साइन हुआ था सम टाइम बैक। बट लेटर इंडिया, आफ्टर गेटिंग द न्यूज़, इंडिया हैज़ रिजेक्टेड दैट कि गालवन वैली हैज़ ऑलवेज बिलोंग टू इंडिया। सो ये भी एक काफ़ी बहुत ही टेंस माहौल चल रहा है फ़िलहाल। तो आई होप दैट ये जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए एंड थिंग्स गेट बेटर नाउ। बट या उसके अलावा एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई सीरियसली वॉन्ट, इनफैक्ट मैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब यही चाहते हैं कि जो भी वहाँ पे हुआ ऑन मंडे, उस चीज़ का बदला हम ज़रूर लेंगे एंड वी विल गिव चाइना बैक द आंसर। मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा बिकॉज आई होप दैट एवरीबडी इज़ वॉचिंग न्यूज़ राइट नाउ, तो सब लोग अपडेटेड है। सो गाइज, अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल से डेली व्लॉग्स का एक नया सीरीज़ चालू किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आपको कल का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर आपने वो वीडियो देखा है। तो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो चेकआउट कीजिए, बिकॉज मेरे हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नया कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, जो भी मार्केट में लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड माय फेसबुक ऑन द पेज ब्लॉगर एजे। सो अभी मैं बस पहुंच गया हूं क्लिनिक के यहां पे और फटाफट इन दोनों का वैक्सीनेशन करवा के इनको घर पे ड्रॉप कर देता हूं एंड फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करता हूं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। तो मैं जा रहा हूँ अभी KTM का नंबर प्लेट चेंज करने के लिए। आप देख सकते हो लास्ट व्लॉग में मेरा जो ये नंबर प्लेट था वो गिर गया था। सो लेट्स गेट दिस थिंग डन। तो खैर, रही बात बाइक्स की, सो देर आर few more news which I wanted to share with you all. तो सबसे पहले Triumph Tiger की बात करूँ, so they have finally launched the Tiger 900 in India, and which replaces the previous Tiger 800 का model, and now it has only two versions to make it very simple. क्योंकि जो पहले का जो Tiger 800 version था उसमें बहुत सारे nomenclatures थे, काफ़ी सारे models थे, like the base version was XR, then उसके ऊपर XRX था, देन उसके ऊपर XCX था, एंड बाद में जो टॉप ऑफ द लाइन था वो XCA था। सो काफ़ी कन्फ्यूजन था इन सारे मॉडल्स में। तो अभी टाइगर, ट्रायम्फ टाइगर को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है ट्रायम्फ ने, एंड दे हैव केप्ट ओनली टू मॉडल्स। वन इज़ रैली, विच इज़ दी कंप्लीट एडवेंचर पैकेज, जिसमें आपको स्पोक व्हील्स मिल जाएंगे, एंड जो दूसरा है GT, दैट इज़ अ मोर रोड बायस्ड वर्जन। सो नाउ देर इज़ लेस कन्फ्यूजन, एंड जो GT वर्जन है, जो रोड बाइस्ड वर्जन है, दैट इज़ लॉन्च एट अ प्राइस ऑफ 13.47 लैक्स एक्स शोरूम,
एंड जो दूसरा रैली वर्जन है दैट इज़ लॉन्च एट अ प्राइस ऑफ 14.35 लाख एक्चुअली। सो ये रही ट्रायम्फ टाइगर की बात, और एक और न्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, जो काइनेटिक मोटर रॉयल है, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है जो सुपर बाइक में डील करते हैं, सुपर बाइक न्यू सुपर बाइक्स में डील करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने टाइप किया था, बट अर्ली दिस ईयर अगर मैं काइनेटिक मोटर ऑयल की बात करूँ तो उस जिनके साथ उन्होंने टाइप किया था उन कंपनीज़ के नाम है SWM, देन वी हैव योसंग, देन वी हैव FB मोंडियाल, देन वी हैव दी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स, एंड फाइनली वी हैड MV अगस्ता ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर ऑफ काइनेटिक मोटर ऑयल। बट अर्लियर दिस ईयर TVS ने नॉर्टन मोटरसाइकिल्स के साथ में पार्टनरशिप कर लिया है एंड दे हैव एंडेड द कॉन्ट्रैक्ट विथ काइनेटिक मोटर रॉयल। एंड अभी सुनने में ये आ रहा है कि काइनेटिक मोटर रॉयल के साथ में MV अगस्ता ने भी अपनी पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है एंड नाउ दे हैव साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ सम अदर कंपनी। अभी तक उन्होंने MV अगस्ता ने अभी तक रिवील नहीं किया है कि कौन सी कंपनी के साथ में उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बट सून दे विल लेट अस नो। तो या ऑल इन ऑल ये कुछ न्यूज़ थे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो हम पहुंच गए अभी दुकान में जहाँ पे मैं अपना KTM का नंबर प्लेट फिट करने वाला हूँ, एंड बेसिकली ये वही शॉप है जहाँ से मैंने मेरे KTM का रैपिंग भी इंस्टॉल किया था, बट जो रैप था वो मैंने eBay से ऑर्डर किया था, यहाँ पे मैंने उसको इंस्टॉल करा। तो चलिए ये काम पहले ख़त्म करते हैं। तो नंबर प्लेट लग चुका है फाइनली, एंड आई थिंक ये नंबर प्लेट जो पहला मैंने अभी इंस्टॉल किया था 4 दिन पहले उससे काफ़ी बेटर दिख रहा है, एंड आई होप एंड आई प्रे दैट ये नंबर प्लेट ना गिरे, बिकॉज जस्ट मैंने 3 दिन पहले नया फिट किया था और ऐसा हो गया। तो चलिए चलते हैं एंड अभी पल्सर का हाल भी जान लेते हैं। तो लेट्स मूव। क्या ठीक है, हवा तो भरा लूंगा मैं, हवा तो पहले से कम था, खड़ी थी ना बहुत टाइम से। तो ये देखिए मैंने बारिश का कवर लगा दिया है पेट्रोल लॉक पे, क्योंकि पानी अंदर जा रहा था, मेरा जो ड्रेनेज पाइप है वो ख़राब हो चुका है टैंक का। तो मुझे इन्होंने कहा कि ये जो ड्रेनेज पाइप है ये इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चोक हो गया है, और ये अंदर जो जंग लगा हुआ था ये भी निकाल दिया है, पूरा टैंक क्लीन कर दिया है। और दूसरा नीचे का जो ये स्क्रू आप देख सकते हो ये भी ख़राब हो चुका था, तो ये भी चेंज कर दिया है।
तो भाई साहब संडे का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, संडे को जब भी मैं कोई काम लेता हूँ वो ज़्यादा करके सारे काम पूरे नहीं हो पाते, बट आज मैंने सारे काम कर दिए। जितने भी मेरे संडे के कैलेंडर में बुक थे मैंने सारे काम कर लिए। तो चलिए, पल्सर का भी काम हो चुका है, पल्सर भी बन चुकी है अपनी, और अभी एक डेढ़ घंटे में ये बिल्डिंग में पहुँचा देंगे ये भाई साहब। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो सब्सक्राइब बटन दबाइए। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे, एंड मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।